हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ किचन के ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन में स्पेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। मतलब छोटे से किचन में आप एक साथ बहुत सारा सामान रख सकती है। तो जो ये पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, आप इसे फ्रिज के इनसाइड पर लगा सकते हो। इसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर तरीके से काम कर सकता है। आप इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें रख सकती है। इसमें मैग्नेट लगा हुआ है जो आसानी से फ्रिज में आपके चिपक जाता है और बिल्कुल भी आपके फ्रिज से नहीं हिलता, और इसमें हैवी से हैवी लोड आप रख सकती हैं। तो इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है ये बास्केट। ये बास्केट आप वॉश करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ वॉश करने के बाद आप इसे सिंक में लगा सकती हैं। सिंक में आप इसी तरह से लगाने के बाद आप इसमें थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए। इससे आपके जो फ्रूट वगैरह हैं वो वहीं पर सूख सकते हैं। उसका जो पानी है वो सिंक में ही निकलेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई इसमें मेंशन की गई है। ये सभी प्रोडक्ट अमेजोन से लिए गए हैं और इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है ये डिश वॉश ड्रेनर। अगर आपके सिंक पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा गिर जाता है बर्तन रखते टाइम, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका जो पानी निकलने का ड्रेनर है वो सीधा आपके सिंक में गिरेगा और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम क्लीन और ड्राई रहेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई इसमें मेंशन की गई है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसके लिए थोड़ा छोटा साइज़ है मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो अगर आपको लगता है ये साइज़ अच्छा है आपके लिए, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इसी में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है ये 4K सेट में आने वाला ऑर्गेनाइज़र। ये आप अपने फ्रिज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बास्केट्स फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र के लिए बेस्ट हैं। इसे पार्टीशन भी इसमें दिए गए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा और घटा सकती हैं। फ्रिज के साथ साथ ये आप अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। किचन, बाथरूम, बेडरूम के लिए भी इस बास्केट का यूज़ कर सकती हैं। तो इसे भी लेना चाहती हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट जो बास्केट है दोस्तों, वो इस तरीके की एडजस्टेबल बास्केट है। इसमें आप अपने वेजिटेबल्स को वॉश करने के साथ साथ उन्हें सुखा भी सकती हैं। जो इसका पानी है इसको खींच के इसको एडजस्ट करके आप अपने सिंक में ही रख सकती हैं। साइज़ वाइज भी बहुत अच्छी है, मेंशन इसमें साइज़ करा है। साथ ही साथ ये बास्केट के साथ साथ एक ये पूरा ये स्ट्रेनर भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट है। और जो ये पूरा छोटा सा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ये एक तरीके का स्टीमर है दोस्तों। इसे आप अपनी कढ़ाई में रख सकते हैं स्टीम करने के लिए। जो भी आप स्टीम की चीज़ें बना सकते हैं, एज आ आप इसे स्टीमर के साथ साथ अपनी वेजिटेबल्स को स्ट्रेन करने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप अपनी सॉस वगैरह, अपने नाइफ़ वगैरह के साथ साथ छोटे छोटे स्पाइसेस भी रख सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट मुझे दिखने में बहुत सुंदर लगा, और इसमें स्पाइसेस के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। स्पेशली अलग अलग बॉक्सेस इसमें बने हैं जिसमें आपने स्पाइस, नमक, सॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। तो इसको भी आप बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो एक ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें अगर आपके घर में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है तो आप इस तरीके से इसको स्टिक कर सकते हैं। स्टिक करने के बाद इसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हैंग करके रख सकते हैं। किचन के लिए मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। साथ ही साथ आप इसमें अपने लेट वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो मेरे सिंक है उसके ऊपर पानी पूरा गिर जाता था। पानी इसलिए गिर जाता था कि जो हमारे स्क्रबर होते थे उससे पानी टपकता रहता था और वो साइड में पूरा गीला हो जाता। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें आप स्क्रबर रखने के लिए स्पेस लिए, जिसका पानी सीधा डायरेक्टली सिंक में गिरता है और आपका जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से क्लीन रहता है। तो ये भी बहुत सस्ता ऑप्शन है आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, दो के पीस में आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों थे। तो ये भी एकदम वॉल पे स्टिक हो जाता है। इसमें आप अपने झाड़ू को, अपने मोप को, वाइपर को आराम से हैंग करके रख सकते हैं और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने किचन को। साथ ही साथ ये बाथरूम के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र है दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जो मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। और अगर आप अपने बर्तनों को सुखाने के लिए इसमें रखते हो तो जितना भी पानी डिश वॉश करने के बाद आप ये सीधा जो पानी है आपके सिंक में आएगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें रैक रख सकते हो, अपना चॉपिंग बोर्ड रख सकते हो, अपने बर्तन धोने के जो भी आपके डिश जेल डिशबार हैं वो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। ये एडजस्टेबल होता है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है दोस्तों, हमारे घर में एक साथ बहुत सारे पैन हो जाते हैं, तो पैन को रखने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप का एक ऑर्गेनाइजर है, जिसमें आपके जो पैन है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर उसमें स्क्रैच भी नहीं आते, ऑर्गेनाइज भी अच्छे से रहते हैं, और इसके जो लिड वगैरह, अगर आपका जो पैन है बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है वो इस तरीके की बास्केट है दोस्तों। आप इस बास्केट में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और इस बास्केट को आपको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, अंदर की तरीके से भी और बाहर की तरीके से भी। अभी ये देखिए अंदर की तरफ लगा था, आप इसे बाहर की तरफ भी लगा सकते हो। आपको कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनानी होती है तो प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई होती है, तो आप इस तरीके से इसे लगा के इसमें वो सारी चीज़ें रख सकते हो, बाद में इसे अंदर की तरफ टर्न कर सकते हो। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र है दोस्तों, ये कॉर्नर का ऑर्गेनाइज़र है। आप इसमें अपने प्लेट्स होता है जो हमारा कोना होता है किचन के काउंटर टॉप का, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप अपनी प्लेट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, पिकल्स वगैरह को, अपने डेली नीड्स की जो किचन में ज़रूरतें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो कॉर्नर वाला ऑर्गेनाइज़र है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मेटल का ऑर्गेनाइज़र है, तो आप इन सबको बाय करना चाहते हो, उनका मेज़रमेंट इसमें बकायदा दिया रहता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र है दोस्तों, ये फ्रिज का साइड का ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बहुत सारे सेल्फ दिए गए हैं, तो ये कुछ इस टाइप से दिखने में लगता है। और ये ऑर्गेनाइज़र दोस्तों आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, अगर आपके घर में बहुत सारा टिश्यू पेपर्स, जैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए साथ साथ। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है आपको, एक लाइक करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि इनमें से आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा लगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो।